तो यार बीजेम का टू पॉइंटेड अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में ना जोम्बी वाला अपडेट है और ये मीरा मार मैप में भी आया क्योंकि जनरली मीरा मार मैप में आता नहीं है पिछली बार फेरो वाला अपडेट आया था और अब सीधा जोम्बी वाला मोड आया है मीरामार मैप में तो अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें इसमें दो पावर आई है इन दो पावरों को भी दिखाएंगे तो सबसे पहले हम टिप ट्रिक एंड ट्रिक्स पे अगर बढ़े तो पहली ट्रिक क्या होगी कि आपको जैसे ही पता होगा जब हम गेम खेलते हैं तो कैंपर्स जो होते हैं ना कैंपर्स बहुत ज्यादा होते हैं जैसे आपे मैं गेम खेल रहा था और एकदम से कैंपर्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं एट दी एंड जाकर मर जाता हूँ तो इसके लिए बीजीएमआई ना प्लेयर इन एरिना नाम का एक ही सिस्टम दिया जिसके अंदर हम ना इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि टोटल इस मैप में कितने बंदे हैं जिससे हमें पता चल जाए यहाँ पे कैंपर है या नहीं नेक्स्ट ट्रीक ये है कि आपको ये जो माउंटेन ब्लेड वाली पावर मिलती है इसको अगर आप होल्ड करके ऊपर निशाना लगा कर जाओगे तो आप इजिली ऊपर पहुंच जाओगे और यहाँ पर बैठ के आप इजिली कैंप कर सकते हो और बंदों को ईजिली मार सकते हो बंदों को पता भी नहीं चलेगा आप इधर हो या नहीं और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कवर भी मिलता है जिससे आप बच भी सकते हो तो यार नेक्स्ट ट्रिक आती है ये जो जो होता है इसको सोलो में हराना ना बहुत मुश्किल होता है बेशक से आपको जो ये पावर मिली होती है अगर आप वो भी यूज करोगे तो फिर भी आप सोलो में उसको बहुत ही मुश्किल से हरा पाओगे और हराना नामुमकिन नहीं होता है वैसे ही सोलो में तो अगर आपको इसको सोलो में हराना है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक छोटे से कंपाउंड में आके बैठ जाना है और यहाँ पर आपको बस अंदर से फायरिंग करनी है जिससे आप इसको इजीली मार सकते हो और ये अंदर आ भी नहीं सकता क्योंकि इसकी जो हाइट है ना वो इस कंपाउंड से बहुत ही बढ़िया तो ये अंदर नहीं आएगा और ना आपको डैमेज पहुंचेगा लेकिन हाँ अगर आप इससे बोल से चिपक के रहोगे तो ये आपको डैमेज पहुंचेगा और आपकी हेल्थ जाएगी नहीं तो आप इजीली इसको आराम से मार सकते हो और इसकी लूट का मज़ा उठा सकते हो तो अब अगर 2.8 के फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें नया फीचर्स है कि हम टीममेट को हार्म नहीं कर सकते जैसे कि मैंने अपनी टीममेट में ग्रेनेड फेंका तो वो ग्रेनेड इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया और जब मैं पास आके भी उसके ग्रेनेड फोड़ता हूँ तो सिर्फ मैं नोक होता हूँ मेरे टीममेट को एक एच का भी डैमेज नहीं जाता लेकिन हमारा टीममेट हमारे ऊपर अगर मोली फेंकता है ना तो उसका डैमेज हमें सिर्फ तीन सेकंड तक नहीं लगेगा उसके बाद हम टीममेट्स को मोली से मार सकते हैं मतलब हमें डैमेज लगेगा तो हम टीममेट्स को सिर्फ मोली से मार सकते हैं बाकी ग्रेनेड वगैरह से हम कुछ हार नहीं पहुंचा सकते इवन अगर हम गाड़ी को भी फोड़ने की ट्राई करें ना तो टीम बैठा हुआ हो तो हम गाड़ी को भी हार नहीं पहुँचा सकते अगर टीम ना बैठा हो सिर्फ हम तभी गाड़ी को मार सकते हैं जैसे मेरा टीम उतरा तो मैंने गाड़ी का टायर फोड़ दिया लेकिन टीम के बैठे होते मैं टायर नहीं फोड़ सका तो मेरे को बस एक यही ड्रॉबैक लगा मोलटो वाला बाकी सारा सही है यहाँ अगर पावर्स की बात करें तो ये जो 10 10 गोंडलेट होता है इसकी पावर जब हम अगर हम नॉर्मल मुक्का मारेंगे तो उसके अंदर आप देख ही सकते हो पीओवी के हिसाब से कि कितना डैमेज पहुंचता है और यही अगर हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड की बात में अगर मैं इसको ब्लेड मारता हूँ दो ब्लेड मारूंगा इसको तो आप इसकी पावर भी देख सकते हो इसकी हेल्थ कितनी कम हुई है एनिमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना खास डैमेज भी नहीं है तो अगर आप ना यूज़ करो तो सही है बाकी ये जो पावर है आप इसको यूज़ कर सकते हो एज़ ए कवर लेकिन ये कवर भी जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं टिकता आपको बस सोचने का टाइम देता है तो इस कवर के ऊपर डिपेंड ही हो जाना ये एकदम ओके okay बात नहीं रहेगी और अगर हम बात करें व्हीकल्स की तो इसके अंदर ओवरबोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है जो आपको इजीली पड़ा हुआ मिल जाएगा और इसकी जो मैक्स टू मैक्स स्पीड होती है लैंड के ऊपर 90 किलोमीटर पर आवर्स और वाटर के ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास आपको दिख जाएगी सो ये ओके ओके है मतलब इतना खास भी नहीं कहूँगा लेकिन एनिमी से अगर आपको एकदम से बच के जाना है उसके लिए इसको कभी भी एकदम से आप प्रेफर ना करना क्योंकि वो एक ही स्प्रे में आपको बड़े आराम से ही उतार सकता है और यार मैं इस नए डैगर वेपन की बात ही क्या करूँ यार एक बार वेपन यार डैमेज देखो यार तुम इस वेपन का एक ही हिट में मार देते यार एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना चैनल चैंक नहीं कर देना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आता रहूँगा टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय